देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जगह जगह बाढ़ का संकट गहरा गया। आलम यह है कि स्कूल तक बंद करा दिए गए, वहीं बारिश संबंधित घटनाओं में लोगों की मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 16 अगस्त को जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम तंत्र के चलते कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में कोटा के मोतीपुरा गांव में श्रीनाथ जी के चरण चौकी मंदिर और पुजारी को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना की पुजारी ने कैतून थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में आज जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जिला भर से विभिन्न प्रकरण पहुंचे। इस दौरान जनसुनवाई में पहुंचे डबलीवास मौलवी निवासी ओम प्रकाश ने जनसुनवाई को खानापूर्ति बताते हुए कहा कि वो 3 साल से अपने मकान का पट्टा बनाने को लेकर जनसुनवाई में आ रहा है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ओम प्रकाश के पुत्र टेकचंद ने बताया कि पूरे पैसे जमा करवाने के बावजूद गांव सरपंच द्वारा उनके मकान का पट्टा नहीं बनाया गया और वो 3 साल से ये मामला जनसुनवाई में उठा रहा है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज हनुमानगढ़ में सर्व हिंदू समाज ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सर्व हिंदू समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध जताया और मांग रखी कि भारत सरकार इस मामले में कोई सख्त कदम उठाए। राजस्थान के भरतपुर जिला RBM अस्पताल के जेल वार्ड में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे रोहित राठौर का इलाज शुरू कर दिया गया है। बता दो, गोगामेड़ी का हत्यारा रोहित राठौर 9 अगस्त से भरतपुर की सेंट्रल जेल स्वेर से अन्य जेल में भेजने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर था। रोहित की तबीयत खराब होने पर उसे 13 अगस्त को RBM अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती किया गया था, लेकिन RBM अस्पताल में भी रोहित राठौर ने इलाज कराने से मना कर दिया। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। गुरुवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शाम को फलोदी जिले के सेतराव दौरे पर थे। इस दौरान अचानक CSC में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर मुनेश मीना की पत्नी उनके सामने आ गई और मंत्री खींवसर से अपने पति के तबादले की मांग करने लगी। चिकित्सा मंत्री से अपनी पति की तबादले की मांग करते हुए नर्सिंग अफसर मुनेश मीना की पत्नी ने चिकित्सा मंत्री से कहा कि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इससे मैं घर के हालात ठीक नहीं होने के कारण कृपया मेरे पति का तबादला हमारे गांव में कर दें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होगी जबकि हरियाणा में 1 चरण में वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में वोट की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। बता दूं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की, मौजूद स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और सभी अल्पसंख्याओं की सुरक्षा, संरक्षण और संरक्षण का आश्वासन दिया। इसरो ने आज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और SRO उपग्रह का सफलतापूर्ण लॉन्च किया। इन उपग्रह को #SSLV की तीसरी विकास उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सफलता लॉन्च ने ये साबित कर दिया कि भारत माइक्रो, मिनी और नैनो उपग्रह भेजने में सक्षम है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।